महान संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन साहब। शंकर जय किशन साहब का जब एक डर था छुपा हुआ, उस डर को दूर भगाया था मोहम्मद रफी साहब ने। एक नायाब सी कहानी, रेयर स्टोरी आज हम लाए हैं आप सभी के लिए, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली, मोहम्मद रफी साहब ने हिंदी फिल्म जगत में अपना पांव जमाना शुरू कर दिया था साल 1945 के आसपास। लेकिन मोहम्मद रफी साहब इतने महान गुलूकार होने के बावजूद भी अपनी विनम्रता को उन्होंने कभी भी नहीं खोया, ये आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं। आज एक ऐसी कहानी कि मोहम्मद रफी साहब जब साल 1949 के आसपास पूरी तरह से हिंदी फिल्म जगत में एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे, तो कुछ संगीतकार मोहम्मद रफी साहब को अपने फिल्म के संगीत में गीतों के प्लेबैक के लिए बुक करना तो चाहते थे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब का वो स्टेटस बन चुका था कि कुछ छोटे संगीतकार मोहम्मद रफी साहब को बात करते हुए भी डरते थे। आज एक ऐसी फिल्म का जिक्र, एक ऐसे गीत का जिक्र और ऐसी एक फैक्ट कहानी आप सबको बताते हैं। साल 1949 में शंकर जयकिशन साहब की पहली संगीत दी हुई फिल्म आने वाली थी, राज कपूर जी की, आर के बैनर की ये दूसरी फिल्म थी। फिल्म का नाम था बरसात। बरसात फिल्म के लिए शंकर जयकिशन जी को बुक किया गया संगीतकार की हैसियत से। शंकर जयकिशन जी ने बरसात फिल्म के लिए तकरीबन 11 गीत बनाए, 11 के 11 गीत जबरदस्त और बड़े ही पॉपुलर रहे थे। उन सभी गीतों का अगर जिक्र करें, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, जिया बेकरार है, छाई बहार है, बरसात में तुमसे मिले हम सजन, मुझे किसी से प्यार हो गया, मेरी आंखों में बस गया कोई रे, पतली कमर है, तिरछी नजर है, अब मेरा कौन सहारा, छोड़ गए बालम, बिछड़े हुए परदेसी। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत बना था, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शंकर जयकिशन साहब का पहला गीत जो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, वो गीत था मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं। जब इस गीत का रिकॉर्डिंग था तो शंकर जयकिशन जी ने रफी साहब को स्टूडियो पर इनवाइट तो कर दिया। रफी साहब खुशी खुशी इस गीत को रिकॉर्ड करने स्टूडियो पर पहुंचे भी, लेकिन शंकर जयकिशन साहब जिनकी पहली फिल्म थी और रफी साहब बड़े ही एस्टैब्लिश्ड गुलूकार थे, तो शंकर जयकिशन जी ने रफी साहब से कहा कि रफी साहब, हमने ये गाना कुछ इस तरह से कंपोज किया है, आप सुन लीजिए और आप जैसे भी गाना चाहें, आप फ्री हैं बिल्कुल अपने अंदाज में, जैसा भी गाना चाहें आप गा दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन रफी साहब थे जो हमेशा संगीतकार की खुद की, जो म्यूजिशियन ने जिस कदर गाना कंपोज किया है और उन्होंने जिस तरह गीत को विजुलाइज किया है, उसी अंदाज को बखूबी वर्ड टू वर्ड, नोट टू नोट गाना पसंद करते थे। तो रफी साहब ने शंकर जयकिशन साहब को पास बुलाया और उनके कंधों पर हाथ रख करके कहा कि आप बिल्कुल ही घबराइए नहीं, आप जैसा गवाना चाहते हैं आप मुझे नोट बाय नोट गाइड करते रहें, मैं बिल्कुल उसी तरह से आपका गाना रिकॉर्ड कर दूंगा। जब रफी साहब के मुंह से ये अल्फाज निकले तो शंकर जी और जय किशन जी काफी रिलैक्स हो गए और उसके बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा। ये थी मोहम्मद रफी साहब की महानता। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का।
जिन्हें ये दुनिया कुछ करने लायक नहीं लगती, ऐसे ही लोग अक्सर इतिहास रच दिया करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी वीडियो के साथ, दिल से दिल तक चली चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।